आचार्य श्री विद्यासागर जी को आज जैन संप्रदाय ही नहीं वरन विश्व के कई लोग ईश्वर के रूप में देख रहे हैं। तो गुरुवर तो वो पूरे भारत के पूरे विश्व के हैं ही, लेकिन जैन संप्रदाय के लोगों के लिए वे भगवान स्वरूप हैं। आज के आधुनिक काल में यदि कली काल में यदि कहीं भगवान है तो आचार्य श्री विद्यासागर जी हैं। तो जिनवर शब्द ईश्वर के लिए काम में लिया गया है और गुरुवर तो हम सबके हैं, इसलिए फिल्म का टाइटल मेरे जिनवर मेरे गुरुवर। विद्यासागर जी का अभिनय नवतेज सिंह नाम के बॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं, ये भूमिका अदा कर रहे हैं और यह अपने आप में बहुत उनके लिए प्रतिष्ठा का अभिनय है कि वे दिगंबर अवस्था में आकर के और जनता के सामने अपना अभिनय कर सकते। कब तक शुरुआत करेंगे? सर ये स्टार्ट टू एंड प्रोजेक्ट है और आज मुहूर्त है, लगभग दो दिन बाद से फिल्म आचार्य जी के बचपन से, क्योंकि लाइफ का जो यू टर्न है वो अमूमन एक सेकंड में तो आता नहीं है। ईश्वरीय तत्व जो व्यक्ति के अंदर होता है वही डे टू डे उसे उस लेवल तक ले जाता है कि वे सांसारिक मोह माया को छोड़ करके और इस अवस्था तक आ सके। आचार्य जी के बचपन में ऐसी कई घटनाएं घटित हुई हैं जो उनका सांसारिक मोह माया से वे दूर रहे हैं। घटनाओं को पिरोते पिरोते हमने ये छोटी छोटी घटनाएं गौ सेवा के लिए, आचार्य श्री ने गायों की जो तस्करी होती है उसके लिए रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल अपना ब्रेकडाउन कर दिया था, आमरण अनशन पर बैठ गए थे और गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, वो ट्रकें वापस जब्त की और गायों को स्वतंत्र किया और उनके नाम पर आचार्य श्री के नाम पर दयोदय एक्सप्रेस रेलवे विभाग ने आरम्भ की। डॉक्यूमेंट्री जो फिल्में बनी है वो उसमें अभिनय नहीं हो पाया है किसी कलाकार द्वारा, और एक समाज को जो संदेश जाना चाहिए वो संदेश उस फिल्म के माध्यम से नहीं आ पाया है, इसलिए यह एक लार्ज स्केल की मूवी है। इस मूवी में जावेद अली, खुशबू जैन, शाबाद साबरी जैसे प्रख्यात पार्श्व गायकों ने अपनी आवाज़ें दी हैं और आज आचार्य श्री की लिखी हुई पुस्तक मुख माटी जो उन्होंने खुद ने लिखी है, अवार्डेड पुस्तक है, उस पुस्तक के गीतों के अंशों को लेकर के आज सुरेश वाडेकर जी ने अपनी आवाज़ दी है। तो यह अपने आप में सर लगभग 4 वर्ष की हमारी स्टडी है, 4 साल से हम इस विषय पर गहन अध्ययन कर रहे थे कि दिगंबर अवस्था पर हमें यदि काम करना है, क्योंकि ये बहुत कांच की तरह है हमारे लिए भी कि हमें इसके रिजल्ट पर जाकर के कहीं साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं आवे, इसलिए हमने जैन संतों और जैन आर्यिकाओं माता जी जो भी उनके धर्म के सबसे बहुत विचार विमर्श और डिस्कशन करके और उस लेवल का काम किया कि हम एक ठोस काम दे करके और समाज को एक नई दिशा देने की आज फिल्में बन रही है, बायोपिक बनी है, लेकिन जिसने समाज को दिशा नहीं दी, जिसने समाज को तोड़ने की बात करी, जो समाज में दुर्व्यसन फैला रहा था, ऐसे व्यक्ति पर भी बायोपिक बनती है तो उस व्यक्ति पर बायोपिक क्यों नहीं बन सकती जो समाज को एक नई दिशा दे रहा है, समाज को चिंतन दे रहा है और गरीबों के लिए काम कर रहा है, ऐसे संत पर फिल्म बनाना मैं अपने आप में गौरव की बात महसूस करता हूँ। सर हाँ, कई विषय मुंबई में शूट होंगे, कुछ भाग किशनगढ़ राजस्थान में शूट होगा, इंदौर में शूट होगा और सागर मध्य प्रदेश में इसका फिल्म। हाँ, इस फिल्म का
आरंभ ही आचार्य जी के स्वयं के शूट के साथ है। उनके ही चिंतन से यह फिल्म बैक में जाती है और कमला जॉइन करता है। हाँ, ये आप मल्टीप्लेक्स में रिलीज की हमारी पूरी तैयारी है और ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड इसको studio. It was totally a great positive vibes. क्योंकि जैसे होता है ना कि आचार्य श्री को देखना, उनको अगर सामने रख ऐसे देखा भी तो एक ऐसे पॉजिटिव वाइब्स आते हैं जैसे कि भगवान से आते हैं. वो एक श्रद्धा होती है हर भक्त की, तो उनको उस तरह से महसूस होता है और मैं भी उनकी सच्ची भक्त हूँ. तो मैंने एक डोरी गाई है भजन भी है आचार्य श्री, लोरी उनके बचपन में है और वो गाकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा. इसमें और भी सिंगर्स हैं जैसे जावेद अली जी, कैलाश मेहर जी, सुरेश जी जो मेरे गुरु हैं. आजादी भाषण में ही ये पूरा महोत्सव हो रहा है एंड यहाँ पर मैंने शिक्षा भी ली है, माय एजुकेशन हैज डन हियर एंड संगीत भी सीखा. मेरे लिए भी बहुत बड़ी सफलता है.
और इस गाने के लिए मुझे स्टूडियो में बुलाया राजीव जी ने, तो मैं उनका स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी राजीव जी और आकृति जी के लिए, जो दे आर द ऑनर ऑफ शकुंतलम स्टूडियो, और मैं उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, थैंक्स कहना चाहूँगी, एंड माई बेस्ट विशेज फॉर एंटायर टीम ऑफ दिस प्रोजेक्ट. थैंक यू. एक बहुत अच्छी फिल्म बनने जा रही है मेरे जीवन मेरे गुरु. आराध्य है आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, एक ऐसे संत जो अगर कहूँ कि माँ भारती के सबसे सच्चे बेटे हैं तो शायद ये कहना थोड़ा कम होगा. अगर हम लेकर चलते हैं कि भारत को भारत क्यों कहना है, इस विषय पर जो उनके तर्क है, इस तर्क के आगे हर कोई झुक जाता है. अगर हम चलते हैं कहते हैं कि भारत की भाषाओं को महत्ता क्यों देना है, तो इनके तर्क जो है वह पूर्णतः सम्मत होते हैं हर किसी के लिए. आज जो नई शिक्षा नीति बनकर आई है, उस नई शिक्षा नीति को अगर आप देखते हैं तो दूसरे नंबर पर नाम लिखा मिलता है आपको आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज. नौवीं कक्षा तक, केवल नौवीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण करने वाले, कन्नड़ भाषा को बोलने वाले, जब वह दीक्षा लेने के लिए अपने गुरु के पास गए थे तो उन्हें हिंदी भाषा नहीं आती थी, लेकिन एक ऐसा बालक जो अपने जीवन में कठिन तपस्या करता है, एक साल के अंदर हिंदी भाषा में इतने पारंगत हो जाते हैं कि उनकी लिखी हुई मूक माटी पर हजारों लोग उस पर PhD कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं. एक ऐसे संत जो भारतीय भाषाओं को बढ़ाते हैं, एक ऐसे संत जो बेटियों की शिक्षा के लिए गुरुकुल प्रतिभा स्थली की स्थापना करवाते हैं, प्रेरणा देते हैं, एक ऐसे संत जो दयोदय चलाते हैं, एक ऐसे संत जो हर किसी को काम मिल सके, रोजगार मिल सके, गांव-गांव में जो बच्चे आराम से बैठे हैं, काम नहीं मिल रहा है, उनके लिए हथकरघा जैसे क्षेत्र खुलवाते हैं, और जो अहिंसक हैं, जो मांस मदिरा का सेवन नहीं करते या जो त्याग करने के लिए तैयार हैं, उनको वहां पर काम मिलता है, और लोग 15-15, 20-20 हज़ार रुपये महीने गाँव में रहकर उस हथकरघा से कमाते हैं. एक ऐसे संत की अगर फिल्म आपको देखने के लिए मिलती है तो यह तो उनके बाह्य जीवन का अंग आपको मिलेगा, जो कि अपने जीवन में ना फल खाते हैं, ना सब्जी खाते हैं, ना ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, ना दूध पीते हैं, जो केवल दाल और रोटी, जिसमें ना नमक है ना शक्कर है, इस दाल रोटी के सहारे अपना जीवन चलाते हैं, दिन में एक बार भोजन करते हैं और एक बार ही जल लेते हैं, उसके साथ ही अपने जीवन को लगातार चलाते जाते 180 किलोमीटर 10 दिन में जो तय कर सकते हैं, वो है आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज. और इनकी फिल्म में एक बहुत अच्छी शिक्षा बालकों को भी मिलेगी कि नए जीवन को, अपने जीवन को प्रगतिशील कैसे बना सकते हैं. इनके जीवन को देखने के बाद आध्यात्मिक रूप से भी शिक्षा मिलेगी. इनके जीवन को देखने के बाद भारत को भारत बनाने की, स्वर्णिम युग लाने की जो शिक्षा है वह भी हमें मिल जाएगी. रेडियो वाले रोजगार है.
Thank you.
सौभाग्य संपत् करम कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थं करानामुषः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि निर्वाण लक्ष्मीरपि विद्यासागर विश्ववंदि श्रवणम् भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चम्यमिदं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञाने ध्यान तपोधि रक्तमुदितं